जी वीवर, हम आज काम कर रहे हैं गांव में। तो गांव में ये लैंड आ रहे हैं सेवरेज की। तो यहाँ जो सुराख है ना, दीवार है, कच्ची दीवार। तो कच्ची दीवार के साथ सुराख, आपको पता है कि अच्छे नहीं, थोड़े से नहीं होता। तो पहली मर्तबा हम सुराख कर रहे हैं बर्मे से। ये बर्मा जो बोर वाला होता है उसके साथ ये सुराख हो रहा है। तो ये देखें, और जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट चाचा रोशन। तो हम जा रहे हैं काम पे, तो अब्दुल्ला अब्दुल्ला भाई के पास, इंसानियत अब्दुल्ला वाले। तो ये आप देख रहे होंगे कंबल। ये कंबल क्यों है, आप परेशान हो गए? चाचा रोशन ने मोटरसाइकिल पर कंबल क्यों रखा? कंबल इसलिए मैंने रखा कि मेरे दम पे हो गया है बम्प, दम पे कील निकला है, बहुत दर्द है यार कसम से। और वहाँ काम करने जा रहे हैं हम, तो हम भिंडियाँ लेके जा रहे हैं, अपनी तरफ से सब्ज़ी लेके जा रहे हैं। फिर चलो गरीब बंदा उस पर ऊपर बोझ ना बढ़े, क्योंकि मैं वीडियो बनाने गया था तो उसको कहा मैं छोटा मोटा प्लम्बरी के टूटे मैं आपको खुद लगा दूँगा। तो ये उधर गए थे और मेरे साथ सईद भी साथ है और शान पहलवान भी साथ है। तो ये लोटे, उसने कहा था यार लोटे लेके आना, मैं आपको ना पैसे दे दूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। और जो चीज़ मैं आपको आज दिखा रहा हूँ ना, वो ये दिखा रहा हूँ कि ये माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया, ये देखे इसने मुँह से ना क्या लगा ले क्या अच्छा अजीब भी लग रहा है, प्यार भी आ रहा है और गुस्सा भी आ रहा है। अच्छा लायक है मैं तो तुम्हें इसने ना मशीन लगा दी मुँह पे, मुँह भी हो रहा है, कह रहे जल्दी जल्दी आ जाए अभी शादी हो गई। तेरी शादी इतनी जल्दी नहीं होगी, तेरी शादी अभी शादी को 10 साल दे रहे। अच्छा क्यों लगवाई है मशीन पहले ये बता। सारे कहते थे मुँह आ रही मुझे चलाते थे अभी जल्दी आ जाए। नहीं सारे अभी कहते हैं मुँह आ रही है तेरी। अच्छा मैं आपको बताऊँ, मैं छोटा सा था, घर बैठा था अबू के पास गाँव में, तो कमीज उतारी हुई थी। अच्छा मैंने अबू को पता क्या कहा था, मैंने बोले कि अबू अबू मेरे ने ये यहाँ ना बाल हो गए। अबू कहते बेटा आ करते हैं तेरी शादी करते हैं। तो ये भी इसलिए ना, इसने कहा काल गया था उधर गाँव में अम्मी अबू के पास, तो इसने ना मशीन लगा दी मुझे चलते, मुझे अजीब लगता, चल सफा हो गया अब बड़ा हो गया। तो ये देख रही मैं इसके काम यार, ऐसे क्लीन शेव नहीं रखनी, सुना है ना, ये क्लीन शेव नहीं अच्छी लगती। ठीक है चलो यार काम। माशाल्लाह जी, चाचे रोशन की दिल की ख्वाहिश पूरी होगी, और दिल की ख्वाहिश कहाँ पूरी हुई, अब्दुल्ला भाई के पास। अल्लाह ने की है जी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये खाएंगे नहीं, ये बता रहे हैं खाएंगे नहीं, उसकी वजह मैदा अनसेट है और ये पसंद की हांडी बनी है, भिंडियाँ बेगा मेरी ने बनाई है और चटनी ऐसी, ये अपने लिए वहाँ से दही लेता आया है, पुदीना लेता आया है, चटनी के साथ ये चाचा रोशन रोटी खाएगा, रोटी खाएगा। और माशाल्लाह, और ये देखें तंदूर की रोटी, लस्सी, दही फुदने की चटनी और भिंडी का सालन। और लस्सी जो है वो बड़े मज़े की बात, तो ये बताऊँ वो चाटी की लस्सी है, हम सायों से ली है सुबह शाम, शाम तो नहीं सुबह को ले जाते हैं, दोपहर को भी ले जाते हैं वहाँ से। और यकीन जाने बड़ा ही मतलब रोटी खाने का दिल नहीं करता जो लस्सी का दिल करता है। तो माशाल्लाह जी, आज हम आए थे अब्दुल्ला भाई के घर, तो यहाँ थोड़ा सा काम किया था, काम भी आपको दिखाते हैं और अब्दुल्ला भाई के घर। और जो दोपहर का भी खाना खा रहे हैं ना अब्दुल्ला भाई के पास, बहुत मज़ा आ गया। और याद आ गया मैंने अब्दुल्ला भाई का, भाई गाँव में आए हैं तो गाँव वाला खाना चाहिए हमें, गाँव वाला। तो माशाल्लाह तंदूर की रोटी और बहुत मज़ा आया, शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा हमें खाना खिलाया, अल्लाह ने बहुत ही मज़ा, अल्लाह ने शुक्रिया। रोटी है ना, रोटी के टुकड़े बना रहे हैं, ये इन्होंने रखा हुआ है गुल्लर, कुत्ते का बच्चा। तो कुत्ते के बच्चे को डालने के लिए ना ये पूरी रोटी खा देगा कुत्ता? ये असल में दरअसल हमारे पास आज ही आए हैं, दो लेके आए हैं, वो भी किसी की, यानी आज गुल्लर लेके आए, हम ही आ जाए हमें उनके साथ ना मिला दो ना, गुल्लर आज लेके आए। मैं ये बात नहीं करता, खुद कहते तो कहते रहे, हाँ कहते आज ये दो आए हैं, भी दो ये भी दो आए, मैं नहीं कहता ये खुद कह रहे हैं। ठीक है जी, तो
उन बच्चों को ये डालना है, जितना खा लेंगे खा लेंगे, हमें हमें तो चाहिए उनकी भूख ख़त्म होनी चाहिए। ये भी यानी कि इंसानियत ही है कि आखिर जानवर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जोर दिया कि जानवरों के साथ भी उसने सलूक करो। हमारा दीन इस्लाम दर्स देता है जानवरों के साथ भी उसने सलूक करो। तो उनको ये डाल रहे ताकि वो भूखे ना रहें, फिर मेरे घर से आगे वो कहीं और जाएंगे, यानी कि शाम को लेने के लिए बंदा आएगा, वो आके ले जाएगा, मेरे पास अमानत है। अच्छा, ये गुलर किसी और के हैं? किसी और के हैं, आपके नहीं है? हमारे नहीं है, हमने उनको कहा हमें दे दो, देखते हैं कि देते हैं कि नहीं देते फिलहाल, यानी कि अब उनको डालेंगे। ये हमने तैयार कर, अब्दुल्ला भाई के साथ मैं भी हेल्प कर रहा हूँ। तो ये देखे, ये रेडी हो चुके हैं। तो अपने साथ में मैं आपको दिखाता भी हूँ। हाँ भाई, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत? अब्दुल्ला भाई ना कोई मैं तले रख रहे हूँ। बिलाल चाम, ये आपको पता है ऑलरेडी हमारी जबान जो है ना वो सराकी है। तो हम जिस टाइम ना वीडियो बनाने लगते हैं उर्दू बोलते हैं, फिर वो ही सराकी में शुरू हो जाते हैं। मैं अपनी आदत से ना मजबूर है। तो ये छोटे छोटे गुंडर हैं, तो इनकी रख दी पहले कैमरे तो गुने आने जो यूट्यूबर का पुत्र। ये देखिए, ये भी तंदूर की रोटी खाएंगे ठंडी ठंडी। ये लो, ये ले जाओ। वाओ, इधर चाचा रोशन है ना, तो बड़े बड़े कोठियों का तो काम किया है। आज जो कोठी है, जो वाटर टैंक है, ये अब्दुल्ला भाई के घर काम किया। तो ये इनके घर टैंकी है। इधर बड़े बड़े कोठियों को तक चाचा रोशन ने काम किया है। तो आज काम किया ना, आज माशाल्लाह कमाल ही काम है और हैरान करने वाला क्या। और आपको पता है अब्दुल्ला भैया इंसान है, तो अब्दुल्ला वाले तो इनके घर आज काम कर रहे हैं। तो इधर डू 100 250 की दीवार। अच्छा, और ये देखे ना, इनके पास ये होल बना है, ये टैंकी है इनके घर की। तो ये साथ वाला घर है ये, तो इन लोगों के घर से ये पानी आ रहा है। उन्होंने सोलर प्लेट पे मर्सिबल लगाया, मर्सिबल से ये पैंप आ रहा है। तो ये पैंप से ये टैंकी भर लेते हैं। और उसके बाद ये इसने कहा, मैं इनकी वीडियो बनाने आया था 2-3 दिन पहले, तो इसने कहा यार को सिस्टम काट दें यार, मेहरबानी होगी आपकी। मैंने फिर इनको सिस्टम काट के दिया है। यहाँ से इनको टूटी लगा दी बर्तन धोने के लिए। और ये देखे, ये नाली लगी हुई थी यहाँ, नाली पे मैंने टी लगाई, और टी लगा के ये पैंप लगा कर ना यहाँ पे, तो ये एक टूटी लगा दूँ, ये बच्चे बर्तन वगैरह धो लेंगे। और उसके बाद ये पैंप अंदर आ रहा है। और इनके ये देखने वाले, ये बाथरूम है जो छत भी नहीं है, और यहाँ पैंप लगा कर एक लोटे की टूटी वहाँ लगा दी। तो पहले इनका सिस्टम यही था, ये पानी भर के आते थे लोग दूसरों घरों से और अपना बाथरूम में इस्तेमाल करते थे। तो ये इनका बाथरूम है, तो बग़ैर छत के बाथरूम है। और उसके बाद ये इसका दरवाज़ा भी नहीं है इधर। हाँ अब्दुल्ला भाई, आप यहाँ कोई कपड़ा वगैरह लगा दें, अभी आपका बाथ तो नहीं बन सकता। करेंगे करेंगे, क्योंकि इसमें पानी का जो जो टैंकी है ये तो हमारे काम नहीं आनी। सही, क्योंकि पानी इसका तो वाशरूम में जाएगा भी नहीं, जैसे ना हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अल्लाह ने चाह तो जरूर करेंगे, इसकी ऊपर जो है ना वो सारी करेंगे, छत की इसकी वाशरूम की सारी करके फिर दरवाजा भी लगवाएंगे, और उसके ऊपर छत डाल के फिर पानी की टैंकी जो है ना प्लास्टिक की या दूसरी की मंगा के ऊपर रख के फिर इंतजाम करेंगे। वक्ती तौर ये काम कर रहे हैं अभी आज जी। तो ये लगा दिया, और यहाँ इसकी जो निकासी के लिए ना ये हम पैंप लगा रहे हैं। ये जो पानी है यहाँ से निकलेगा, और यहाँ एक बना रहे हैं होजी, और जी बना के यहाँ पर तो निकासी हो जाएगी, बाहर ज़मीन में चला जाएगा। माशाल्लाह जी, अब्दुल्ला भाई का काम फाइनल हो चुका है। तो
तो ये खुरा बना था, देखा था हमने, काफ़ी ख़राब था। इसको भी हमने नीचे से कंक्रीट काट दिया, बंद कर दिया तो टूटी। और ये बना रहे हौजी, हौजी को भी नीरू लगा रहे हैं। और उसके बाद ये जो जगह थी ये काफ़ी ख़राब थी, इसको भी सेट काट दिया नीचे, इंटर आग के ऊपर से ग्रोने काट दिया। और बाकी जो काम है ये वाला इंटर वगैरह ये सेट कर दिया, तो ये काम हो चुका है मुकम्मल। तो अब इन हम जा रहे हैं, तो माशाल्लाह काम जो है अब्दुल्ला भाई का फाइनल हो चुका है।